आखिरकार मास्टर सलीम नू लाइव क्यों होना पिया, वो केड़ी गल नू लैके लाइव होए ने, और आखिर बाबा मुराद शाह जी का जिक्र क्यों आ रहा है, किस पुजारी ने गलबात की है और उस गलबात की सच्चाई है। मास्टर सलीम ने एक एक गल लाइव हो के दसी है। कन्हैया मित्तल दे नाल विवाद काफ़ी चल रहा, क्योंकि पिछले दिन ही वो जड़ा बयान सिगा स्टेज दे उपर उन्होंने दिता है कि मास्टर अजकल जागरण दे विच ज़्यादा करके मुस्लिम गायक ही नज़र आउंदे ने, इन्हां नू क्यों बुलाउंदे हो, की चल रहा की नहीं चल रहा। कन्हैया मित्तल जी, पहली गल है कि ये जड़ा थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि स्टेज दे उपर शरेआम बोलना, ये किसी नू पसंद नहीं आया, ठीक है, तुहाडे अपणियां नू पसंद आएगा। तुसी साजियां दे उपर भी एक स्टायर किया, होर बहुत सारिया गल्लां बातां कीतियां। कन्हैया मित्तल जी, तुहाडी मालक ने बाँह पकड़ी हुई है, तुहाडी उस अकाल पुरख ने तुहाडे ते दया की हुई है, तुसी दया नू संभालो। तुसी की लैना किसी की जात तो, की लैना किसी की बरादरी तो, क्योंकि पंजाब की धरती सिर्फ तो सिर्फ पीरां फकीरां की धरती है, जिथे आपां सारियां दा सन्मान करते हाँ। सो दोस्तो, इस संबंध में लाइव की होए ने, ये तुसी एबन पंजाबी चैनल दे इस प्रोग्राम दे विच सुनो की गलबात हुई है। मैं सिर्फ अज बेनती यही करना चाहना कि नकोदर स्टेज पर जिहड़ा मैं कहा उहदा मैं स्पष्टीकरण देना चाहना और उहदे बारे गल करनी चाहना। मैं स्टेज पर कहा कि मैं चिंतपुर नहीं गया मत्था टेकण, उत्थे मत्था टेकिया, आरती लई, उस तो बाद पुजारी जी सन कोई, मैं तो ठीक ना याद भी नहीं किहड़े सी, उन्होंने कहा कि साईं जी का की हाल है, ठीक है, तो मैं उन्होंने कहा ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक, माता राणी की बड़ी कृपा है। असी साईं जी नू प्यो कहने और वो साडे प्यो है, साडे गुरु ने, गुरु प्यो ही हुंदा है, और उहदे च भी मैं सिर्फ यही कहा है कि उन्होंने मैनू पुछया कि साईं जी का की हाल है, तो असी जिदा साईं जी नू प्यो कहने कि हाँ जी जी बिल्कुल ठीक ठाक है, तो मेरे प्यो का की हाल है ना, मेरे मुँह यही निकलिया कि मेरे प्यो का की हाल है, तो मैं प्यो कहना उन्होंने है ना, क्योंकि मेरे वो गुरु ने। बाकी गल यह रही कि मैं माता राणी दे नाल किसी की तुलना करा, ये तो हो नहीं सकता, माता राणी तो सारी दुनिया की माँ है, साडे दाता जी भी यो ही कहिंदे सी माँ, उन्होंने तो मैनू भी ये आख्या कि सलीम जय माता दी करिया करो, जय माता दी करिया करो, माँ तो वड्डा कोई नहीं। सो वाकई जी माँ तो वड्डा कोई भी नहीं है, चिंतपुरनी माता साडी सारयां दी माँ है, साडे गुरुआं दी भी माँ है ना, ते कुछ मेरे भरावां नू, कुछ मेरे वीरां नू, जिहड़े मेरे अपने वीर ने, उन्होंने इस चीज़ ते एतराज़ सी, मैं उन्हां दा एतराज़ मैनू मंजूर है और मैं उन्हां तो क्षमा दा जाचक हाँ, और महामाई तो वड्डी ताकत कोई नहीं, और मैं ना कदी महामाई दी तुलना किसे नाल कर सकदा, ना कदी हो सकती है, क्योंकि वह तो सारे जगत की माँ है, सारे जगत की माँ है। सो मैं एक बार फिर सारिया तो क्षमा दा जाचक हाँ और हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदा, मैं कुछ होर कहा, कुछ होर बन के वह सामने आ गई, तो मैं उन्होंने सिर्फ इन्नी बेनती करना चाहवागा कि माँ जी सब तो वड्डी है, माता राणी तो वड्डा कुछ नहीं है ना, असी आप उहदे नाम की रोटी खाने हैं, आप उहदा दित्ता खाने हैं, तो साईं जी साढ़े गुरु महाराज ने, असी वो साढ़े मुरशद ने, गुरु ने, वो उन्हां दी भी माँ है ना, सारी दुनिया की माँ है, तो साईं जी ने तो मैं आप आख्या कि तू जय माता दी करया कर, जय माता दी करया कर, जय माता दी करया कर। सो जे किसी नू उस गल का थोड़ा जहा लग्या तो मैं उहदे तो हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदा, क्षमा दा जाचकां जी। बाकी माता राणी का नाम लो, अपने गुरुआं का नाम लो, जय माँ चिंतपुरनी, जय बाबा मुराद शाह।